Okay, so let us now move on to the next standard, that is essay number 520, which talks about analytical procedures. अब ध्यान से एकदम मन लगा के ये भी स्टैंडर्ड को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है ये भी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स. सो लेट्स मूव टू आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड. नेक्स्ट व्हाट वी आर स्टडिंग इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स. एकदम अच्छे से ध्यान से सुनिएगा इसको. किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन अभी? एसए 520 जो बात करता है अबाउट एनालिटिकल प्रोसीजर्स. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एनालिटिकल प्रोसीजर. एनालिटिकल प्रोसीजर इज बेसिकली द स्टडी ऑफ प्लॉजेबल या तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम्स. व्हाट इज एनालिटिकल प्रोसीजर? इट इज अ स्टडी ऑफ प्लॉजेबल और प्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम्स. आई बात समझ में? सो ये जो दो आइटम्स के बीच में रिश्ता क्या कहलाता है उसको स्टडी करना इज नथिंग बट व्हाट वी टॉक अबाउट इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स. आई बात समझ में? सो द रिलेशनशिप बिटवीन द टू आइटम्स दैट बेयर विथ वन अनदर, बराबर, दैट स्टडी इज कॉल्ड एज व्हाट? द एनालिटिकल प्रोसीजर्स. ये जो रिलेशनशिप अपने को देखना है, दिस रिलेशनशिप कैन बी, कैसी हो सकता है वो रिलेशनशिप? द रिलेशनशिप कैन बी व्हाट? बिटवीन फाइनेंशियल टू फाइनेंशियल आइटम्स. एंड दूसरा इट कैन बी फाइनेंशियल टू non-financial items. Sir, इसका मतलब क्या है? Financial to financial, financial to non-financial items. Sir, what do we mean by this? Financial to financial मतलब, let us say when we compare sales with debtors, both are included in financial statements, right? When we compare purchases with, very good, creditors. So, जब ये चीजें जो financial statements का हिस्सा है, sales, we compare it with what? Let us say marketing. So, इसको हम लोग क्या कहते हैं? Analysis करना, ये इतना इतना है तो वो कितना कितना हो सकता है, right? And when we talk about financial to non-financial, मतलब क्या हो सकता है? We talk about salary to number of workers. क्या कह रहे हैं इसको? Salary to number of workers. या हम लोग कह सकते हैं rent to the area used, electricity to light points. ठीक है? So this is what we talk about is financial to non-financial. देखो इनमें ये दोनों sales भी और debtors भी दोनों financial statements का हिस्सा है, इसलिए हम लोग उसे financial financial बोलते हैं. But try to understand, हम लोग non-financial में हम लोग सैलरी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हिस्सा है, रेंट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हिस्सा है, इलेक्ट्रिसिटी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हिस्सा है. वी डू नॉट इंक्लूड नंबर ऑफ वर्कर्स वेयर इन आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. वी डू नॉट इंक्लूड एरिया इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. वी डू नॉट पुट लाइट पॉइंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बट इन दोनों का कंपेरिजन, इसे हम लोग क्या कहेंगे?
इन दोनों के कंपैरिजन को बच्चों हम लोग कहेंगे इट इज फाइनेंशियल टू नॉन फाइनेंशियल। फिर आप पूछेंगे सर इसका आखिर फायदा क्या है। सो बेसिकली एनालिटिकल प्रोसीजर व्हेन वी से इट इज एन अटेंशन डायरेक्टिंग प्रोसेस। ये क्या है? ये इट इज एन अटेंशन डायरेक्टिंग प्रोसेस। ये ध्यान आकर्षित करने का तरीका है ये, क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड अगर ऐसा है, अगर फिक्स्ड एसेट्स है तो डेप्रिसिएशन होना बनता है, फिक्स्ड एसेट्स है तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस होना बनता है, फिक्स्ड एसेट्स है तो इंश्योरेंस होना बनता है। बट जरूरी नहीं है कि रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हो ही करके, जरूरी नहीं है कि आपने इंश्योरेंस लिया ही होगा करके, बट आपको वो एरिया में देखना या आपका ध्यान वहां पे वो डायरेक्ट करता है, इट गेट्स योर अटेंशन इनटू दैट पर्टिकुलर एरिया। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वन ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज ओनली एन अटेंशन डायरेक्टिंग प्रोसेस बट इट डज नॉट प्रोवाइड कॉर्बोरेटिव ऑडिट एविडेंस। ये आपको 100% गारंटी नहीं देगा, बट इट विल जस्ट गिव यू वेयर यू आर सपोज टू लुक फॉर। इट इज एन अटेंशन डायरेक्टिंग प्रोसेस। ये थीम समझ में आया आपको? इस स्टैंडर्ड का क्या है? बोलो यस और नो। ओके, फिर सर ये एनालिटिकल प्रोसेस हम लोग कैसे कर सकते हैं? सो इसके अलग अलग तरीके हैं। रेशियो एनालिसिस है, ट्रेंड एनालिसिस है, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग है, सो ये जो सारे ये मेथड्स ये एनालिसिस करने के लिए काम में आते हैं। मेथड्स टू डू analysis. These are the different methods in which we can do what is the analysis. आई बात समझ में? एकदम सिंपल है कहानी। सो दिस इज वॉट इज SA 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स का थीम। फिर अब सर ये हम लोग कहां यूज कर सकते हैं? सो दिस एंटायर एक्टिविटी विल बी यूज बाय यू इन वॉट? Planning the audit, in performing the audit, and to provide what? Conclusions. To provide what? Conclusions, and then do reporting. प्लानिंग में इट विल हेल्प यू टू डिसाइड नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। नंबर वन। नंबर टू, इट विल ऑल्सो हेल्प यू understand the entity and also to identify the risk of material misstatements. क्या है सर? देखो जैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं ना, तो एनालिटिकल प्रोसीजर बेसिकली ये होना चाहिए, वो होना चाहिए आपके बिजनेस में। सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड द एंटिटी। ये एंटिटी को समझने के लिए काम में आता है। साथ ही साथ जब एंटिटी को समझेंगे तो एनालिसिस करके रिस्क भी पता चलेगी।
ध्यान जाएगा आपका कि ये ऐसा ऐसा जहां होना चाहिए था वैसा वैसा है या नहीं है, एंड देन उसके बेसिस पे यू विल डिसाइड नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट. प्लानिंग में ये इसका फायदा है. आई बात समझ में? अब परफॉर्मिंग की बात करें तो परफॉर्मिंग में इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू हेल्प यू टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस. यू कैन ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस बाय वॉट? बाय डूइंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स. By doing what? Test of details. Or by doing what? Combination of both. But इसके अंदर आपको सिर्फ analytical procedures use करना है या test of details use करना है या combination of both use करना है, this entire thing क्या कहेंगे is a matter of auditor's professional judgment. What to use, what not to use. Correct है? Depend करता है आप क्या check करते हो, risk कितना है, कितना आप tolerate कर सकते हो. इस पर आप decide करोगे analytical procedure use करना या test of details use करना या दोनों का combination use करना. Right? Okay. उसके बाद एनालिटिकल प्रोसीजर्स की अगर अपन बात करें, इफ यू गो अहेड एंड डिसाइड टू यूज एनालिटिकल प्रोसीजर जिसके ऊपर ये स्टैंडर्ड है, सो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जो असर्शन आप चेक कर रहे हो उसके लिए वो सूटेबल है या नहीं है. जो एरिया आप चेक करने जा रहे हो उसके लिए वो सूटेबल है या नहीं है. सर मतलब क्या है सूटेबल है या नहीं है? मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन आई टॉक अबाउट द असर्शन. सुटेबिलिटी के लिए पहले लिखता हूं, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ असर्शन. उस असर्शन को वो सूट करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कंप्लीटनेस. मतलब कंप्लीटनेस के लिए सारे ट्रांजैक्शंस पूरे पूरे रिकॉर्ड हुए या नहीं हुए, तो ऑब्वियसली एनालिसिस करके मैं देखता हूं कि अगर मैं कंपेयर करता हूं कि इतने नंबर ऑफ वर्कर्स है, क्या देखता हूं मैं, इतने नंबर ऑफ वर्कर्स है और उनकी कितनी सैलरी पे हुई है, तो मुझे लगता है कि सैलरी ज्यादा हुई है या कम हुई है. आई विल डू व्हाट दैट एनालिसिस एंड बेसिकली आई विल ब्रिंग माय अटेंशन ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया. आई विल ब्रिंग माय अटेंशन ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया. सो फिर मुझे दिखेगा कि वो कंप्लीटली रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, एंड दिस इज हाउ आई कैन वेरीफाई द असर्शन ऑफ व्हाट कंप्लीटनेस. तो मैं कह सकता हूं कि हाँ मैं एनालिटिकल प्रोसीजर क्या कर सकता हूं, मैं यूज कर सकता हूं. बट फिर आप समझने की कोशिश करो, मैं एनालिटिकल प्रोसीजर यूज भी कर लूंगा, सेकेंड मेरे को देखना है रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी ऑफ व्हाट? सो रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा. मतलब ये जो मुझे मिला है ना, नंबर ऑफ वर्कर्स बराबर, उनको कितनी सैलरी पे करी है, ये जो डेटा मेरे पास आया है वो डेटा होना चाहिए कैसा? रिलायबल. सिंपल सी बात है. वो एरिया में एनालिटिकल प्रोसीजर सूट होता है, बट जिसके बेसिस पे मैं एनालिटिकल प्रोसीजर करने वाला हूं वो डेटा भी तो रिलायबल होना चाहिए ना बच्चों. सिंपल. सो ये रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा डिपेंड्स अपॉन व्हाट? द सोर्स, कि ये डेटा कहां से आया है, बराबर कि नहीं. इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? द कंपेरेबिलिटी, बराबर कि नहीं. तो ये सारी बातें मुझे देखनी है. The source, the comparability, that will decide about what? The reliability. So, मैंने analytical procedure perform करना है, तो I have to see the suitability, I have to see the reliability. Right? उसके बाद आगे बढ़ूं, तो next point क्या कहता है? अब data मान लो suitable है, reliable है, तो अब कहानी आगे बढ़ते हैं.
तो अब मैं क्या करता हूं, एनालिटिकल प्रोसीजर करने के लिए मुझे एक्सपेक्टेशन डेवलप करनी पड़ेगी कि मेरे हिसाब से वो क्या रिजल्ट हो सकता है, कि कितनी सैलरी आनी चाहिए, कितनी सैलरी आनी चाहिए, वो मैं एक्सपेक्टेशन एक डेवलप करूंगा कि अच्छा इतने इतने नंबर है ना तो कितनी कितनी सैलरी आनी चाहिए। और ये जो आप एक्सपेक्टेशन डेवलप करोगे ना, ये कैसा होना चाहिए एक्सपेक्टेशन, दिस शुड बी प्रिसाइज, ज्यादा उम्मीद मत कर लेना, एकदम एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, इट शुड बी व्हाट, प्रिसाइज। एंड देन व्हाट यू डू, यू स्टार्ट विद द एनालिटिकल प्रोसीजर एंड देन यू गेट व्हाट इज द रिजल्ट्स। एंड अगर इसमें फिर डिफरेंस मिला तो आपको क्या करना है, देन यू गो अहेड एंड डू व्हाट, डू द इन्वेस्टिगेशन, दैट इज यू कैरी आउट व्हाट, द टेस्ट ऑफ डिटेल्स। आई बात समझ में आपको? एंड फिर कंक्लूजन में इट गिव्स ऑडिटर दैट इंफॉर्मेशन विच वॉज नॉट अवेलेबल विथ हिम अर्लियर। वाओ सर, मजाक मजाक में कितना सुंदर चार्ट बन गया। सो दैट इज वॉट वी टॉक अबाउट। सो अगर अपन देखे, सो गो थ्रू करते हैं अपन ऐसे 520 को, एकदम छोटू सा है, उससे बड़ा तो अपना चार्ट है। वाओ, सो ऐसे 520 डील्स विथ व्हाट, एनालिटिकल प्रोसीजर्स एज अ सब्सटेंटिव प्रोसीजर विच वॉज डिस्कस्ड अंडर एसए नंबर 315 एंड 330, क्योंकि वो रिस्क को पहले असेस करेगा, उसके बेसिस पे रिस्क को रिस्पॉन्ड करेगा। ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस एंड डिजाइन एंड परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर्स नियर द एंड, दैट इज कंक्लूजन के टाइम पे, टू फॉर्म द ओवरऑल कंक्लूजन। सो व्हेन डिजाइनिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स यू कैन डू इट, पढ़ा है सभी, यू कैन डू इट अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद टेस्ट ऑफ डिटेल्स। फिर ये करने के लिए आपने देखना है उसका सुटेबिलिटी, टेकिंग इनटू अकाउंट द नेचर ऑफ द असर्शन, द रिस्क एटसेट्रा। फिर वो डेटा की रिलायबिलिटी देखनी है, सोर्स कंपेरेबिलिटी, नेचर एंड रिलेवेंस। यू डेवलप द एक्सपेक्टेशन दैट शुड बी प्रिसाइज एंड देन एनी डिफरेंस व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कैरी आउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ऑसम सर, नेक्स्ट वी गो अहेड, एनालिटिकल प्रोसीजर असिस्ट इन फॉर्मिंग ओवरऑल कंक्लूजन, राइट नियर द एंड ऑफ द ऑडिट इट असिस्ट द ऑडिटर to check whether the information which he has obtained and what he had in mind wo consistent hai ya nahi hai, and usko fir apne investigation kaise karna, inquiry karna management se, and perform other audit procedure, that is test of details, simple over SA 520 analytical procedures, easy। comments mein likhna aapko ye chart kaisa laga। chaliye darshako, चार्ट को नोट डाउन कीजिएगा, देन वी विल गो अहेड, देखते कितना समय बचता है उसके हिसाब से। पहले ये आप लिख तो लो,
चलो राइट फास्ट। इसको एकदम डिटेल में पढ़ना अच्छे से, जो भी एमसीक्यूज बनते हैं राइट, वो आप को तो बता दिया है मैंने कैसे पढ़ना है आपको। चलो लास्ट 30 सेकेंड्स।